कैरिबियन प्रीमियर लीग में विंडीज के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी आंद्रे रसल को हेलमेट पर गेंद लगने के बाद स्ट्रेचर के जरिए मैदान से बाहर ले जाना पड़ा। बता दें कि ये घटना तब हुई जब रसेल जमैका थलाइवास की तरफ से सबरीना पार्क में सेंट लूसिया के खिलाफ मैच खेल रहे थे। रसेल की टीम जमैका पहले बल्लेबाजी कर रही थी। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दरअसल हुआ यूं कि ये घटना जमैका की पारी के 14वें ओवर के दौरान तब हुई जब रसेल जीरो पर बैटिंग कर रहे थे। लूसिया के तेज गेंदबाज हार्डस विल्जोयन ने एक शॉर्ट गेंद फेंकी जो रसेल के दाएं कान के पास हेलमेट पर लगी। पहली बार देखने पर ऐसा लगा कि रसेल के हेलमेट में नेक गार्ड नहीं था। अगर मैच के नतीजे की बात करें तो जमैका थलाइवास ने 20 ओवर में 170 रन बनाए। उसकी ओर से रोवमैन प्रोवेल ने 22 गेंद पर 44 रन की पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सेंट लूसिया की टीम ने 16.4 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाकर मैच जीत लिया। सेंट लूसिया के ओपनर आंद्रे फ्लेचर 36 गेंद पर 47 रन बनाकर नाबाद रहे। रकीम कोनवाल ने 30 गेंद पर 75 रन की पारी खेली। उन्होंने 4 चौके और 8 छक्के लगाए। रकीम दुनिया के सबसे वजनी क्रिकेटर है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।